अच्छा जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग काफ़ी कवर कर ली हैं जी, ठीक है जी। और 10 पे हमारी बात हो गई थी, जाने से पहले आपने कंप्लीट करने के देना था। आई थिंक गुलाम मुस्तफ़ा के पास कुछ आए हुए हैं चीज़ें, और मैंने कहा था सी 2019 का सवाल और 2017 उसका सवाल तकरीबन सेम ही है, तकरीबन तकरीबन ठीक है जी। 2019 का सवाल और ये हमने कर लिया था, ठीक है। अब ज़रा फाइनली फाइनली ज़रा कंक्लूड करते हैं। दो सवाल हैं हमारे पास, देखते हैं कि कौन सा सवाल हमें करना चाहिए, ठीक है जी। स्प्रिंग 19 भी हमने कर लिया, सही है जी, तो फर्स्ट बैच। अच्छा, अब जरा गौर करिएगा प्लीज, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दो सवाल हमें लर्निंग करके करने हैं, तकरीबन चार में से दो तो होमवर्क हो गए ना। 2019 का सवाल, 2017 का सवाल तो आपने देखी, बल्कि 2017 तो मैंने करा दिया था आई थिंक। अब वो ये वाला होमवर्क का सवाल है, इसको आप अपने होमवर्क में करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका सलूशन पीछे मौजूद है। ये समझिए एक तरह का क्विज हो जाएगा आपका, एक तरह का क्विज हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ज़रा अभी यार एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल देख लेते हैं। सही है, 2017 का सवाल है, ऑटम 2017, DEL लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, इसमें लर्निंग कर्व छोटा था, इसमें लर्निंग कर्व छोटा था, बाकी डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग इसमें रिकॉल होगा, रेलिवेंट कॉस्टिंग इसमें रिकॉल होगा, बाकी लर्निंग कर्व इसमें जो है वो छोटा सा है, ठीक है। एक ये सवाल है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, और एक सवाल ही ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये दो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसपे हम बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं, जरा गौर करिए क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि कंप्यूट दी मिनिमम क्वान्टिटी दैट वुड अलाउ HPL टू अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। कह रहे हैं मिनिमम क्वांटिटी कितनी सेल हो टू अलाउ HPL टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। मार्जिन है जी, बिल्कुल मार्जिन है जी। सवाल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हटके सवाल है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है। कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए जी, लर्निंग का हमने काफी डिटेल में देख लिया, CA फाइनल के सवाल भी ठीक ठाक देख लिए, कैस का सवाल भी लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। गुलाम मुस्तफा, आज के दिन यार इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि CB के जो मेरे टेस्ट के सवाल थे वो मैं क्लास में कराऊंगा, ताकि सैटरडे को जो टेस्ट है उसमें आप परेशानी का सामना ना रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हम बिल्कुल एक जो है छोटा सा सेशन रखते हैं, आज भी कोशिश करेंगे कुछ जानने से पहले। CP पे बात हो, इसी बहाने CV का रिवीजन भी हो जाएगा लिमिटेड साहब लोगों का। सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं जी, ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस कॉम्पोनेंट। ये तो नहीं है हमारे पास, ये पार्ट सिलेबस में नहीं है, ये CA फाइनल का था, ठीक है। हामिद प्राइवेट लिमिटेड HPL हैज रिसीव एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ न्यू प्रोडक्ट। The planning department has estimated that for the first batch of 500 unit, the per unit revenue and cost would be as follows. First batch से hint क्या मिली है? First batch से hint मिली है कि इस बार जो X होगा, हाँ बिल्कुल ICAP, असल में CA final से topic आया, इस वजह से मैं ये करा रहा हूँ आपको। हाँ, इस बार जो learning होगी वो क्या होगी, X जो होगा वो क्या होगा, number of batches होगा, एक जो है वो नंबर ऑफ बैचेस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे कह रहे हैं कि एक बैच में कितने यूनिट होंगे, ठीक है। और आगे कह रहे हैं पर यूनिट रेवेन्यू कॉस्ट वुड बी एज़ फॉलोस, सेलिंग प्राइस 4। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रहे, ये जो कॉस्ट है ये पर यूनिट डीवी है, लर्निंग बैच वाइज, लर्निंग बैच वाइज होगी, मगर जो कॉस्ट दी हुई है इसने पर बैच, पर यूनिट डीवी है। सेलिंग प्राइस 450, मटीरियल 1 kg एट 180 पर kg, लेबर 2 hours एट 100 पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड 25% ऑफ लेबर कॉस्ट, 6 प्रोडक्शन ओवरहेड 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 20। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि HPL एज अ लर्निंग कर्व ऑफ 80% फॉर ऑल न्यू प्रोडक्ट्स, द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट्स, ठीक है, एंड द लर्निंग इफेक्ट अप्लाइज टू फर्स्ट 8 बैचेस ओनली। लर्निंग खत्म हो जाएगी 8 बैचेस पे, भाई 8 बैचेस पे लर्निंग खत्म हो जाएगी। नोट, लॉग ऑफ 0.8 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू -0.322। शायद ऐसा लग रहा है फॉर्मूले से भी काम हो जाए, शायद फॉर्मूले से भी हो सकता है, टेबल से भी हो सकता है शायद। Required calculate the minimum quantity that would allow HPL to earn a contribution margin of 20% of sales. एक बात बताएं, अब बहुत आसान करते हैं, करंट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, करंट, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, करंट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंट कितना है, निकाल सकते हैं करंट, करंट आज पहले बैच का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है परसेंटेज में, निकाल सकते हैं, यूनिट्स नहीं बैचेस कहना चाहिए वैसे,
निशान अख्तर बैचेस कहना चाहिए। करंट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है अभी अभी फिलहाल फिलहाल हाँ सही है। नहीं नहीं निकालो निकालो ये मटेरियल आएगा इसमें यस लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स सही है निकाले अभी कितना गुलाम मुस्तफा सलमान सुहेल का सेम आ रहा है पर यूनिट नहीं वो परसेंटेज में बता दें। सेलिंग एक्सपेंस पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो जाहिर सी बात है ये भी आने चाहिए ना। सेलिंग एक्सपेंस पे कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा लग रहा है पर यूनिट दिए हुए हैं तो ये भी क्या होंगे ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंस पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये पर यूनिट लग रहा है। नहीं जुनेद अली क्या कर रहे हो ऐसे थोड़ी होगा कितना आ रहा है चेक करो। सेलिंग एक्सपेंस भी पर यूनिट दिए हुए ना चंदा। अरे ये क्या हुआ ये तो खतरनाक हो गया। वाह भाई वाह भाई वाह जीरो हो गया ये तो। नहीं ये तो सिफर हो गया जीरो हो गया यार। नहीं फिक्स तो नहीं लेना सलमान सुहेल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहा है और मैंने भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन किया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कैसे आ सकती है फिक्स कॉस्ट चंदा सही है ना। हाँ फिक्स कॉस्ट सही है वेरिएबल सेलिंग के बारे में आप सही कह रहे हो। पर यूनिट लिखा हुआ है ना तो पर यूनिट से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि ये वेरिएबल है। पर यूनिट से मुझे इंप्रेशन जा रहा है कि ये तो वेरिएबल है वेरिएबल है। क्लियर है बात में। अच्छा अब यार एक मसला आ गया एक बात बताओ दुनिया में अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाना है दो ही तरीके हैं। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाना है दुनिया में दो ही तरीके हैं उसको बढ़ाने के क्या। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंक्रीज करना है किसी ने तो दो ही तरीके हैं के या तो सेलिंग प्राइस ये तो सेल्स बढ़ा दे सेलिंग प्राइस बढ़ा दे या कॉस्ट कम कर दे ये तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दे या फिर कॉस्ट को कम कर दिया जाए। एग्री करते हैं। अच्छा सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ सकती सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ सकती वेरिएबल कॉस्ट कम हो सकती है। हाँ सही उमर फारूक वेरी नाइस। क्या वेरिएबल कॉस्ट कम हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट चेक करो। हाँ हो सकती है बिल्कुल हो सकती है। कैसे कैसे जी कैसे वेरिएबल कॉस्ट कैसे कम हो जाएगी वो कौन है सवाल में लर्निंग कर्व है ना यार। तो अब आप रिक्वायरमेंट बढ़ाओ आपको मजा आएगा। रिक्वायरमेंट अब आपको मजा आएगा कि रिक्वायरमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटी बता दो जिस पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% हो जाए 20% हो जाए। तो क्या करें भाई क्या करें क्वांटिटी बता दें जिसपे कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पहले बैच पे तो नहीं बोल रहा शुरू में तो नहीं हो रहा भाई शुरू में तो नहीं होने का है ठीक है ना। हाँ लर्निंग की वजह से ज्यादा जल्दी काम होगा ज्यादा जल्दी काम होगा तो कम आवर्स लगेंगे कम आवर्स लगेंगे तो कम कॉस्ट लगेगी कम कॉस्ट लगेगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ जाएगा ठीक है। क्वांटिटी मीन्स यूनिट बैचेस अभी बात करते हैं। अच्छा अब एक काम करते हैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ सवाल को सॉल्व करने का छोटा टोटका छोटा तरीका। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कह रहा है वो आपसे कितना कह रहा है 25% कह रहा है जरा और करिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो कितना कह रहा है 25% कह रहा है। अच्छा सेलिंग प्राइस सेम रहेगी सेलिंग प्राइस सेम रहेगी 450 ठीक है ना सेलिंग प्राइस सेम रहेगी और 20% कह रहा है सॉरी 20% कह रहा है तो कितना बनता है 20% लगाओ जरा यार क्या क्या लगता है 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन का लग कितना बना 90 रुपए बन गया मेरे ख्याल से नहीं 90 आ गया। हाँ 20 कर दिया मैंने यार इसको। अच्छा आगे बढ़िएगा जरा प्लीज
अब मुझे बताओ क्या क्या चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा क्या? मटेरियल नहीं, मटेरियल चेंज नहीं होगा। मटेरियल लर्निंग की वजह से चेंज हो जाता है कभी कभार, वेस्टेज कम होने की वजह से, या नहीं होगा, या नहीं होगा। क्या लेबर चेंज हो सकता है? यस यस, लेबर नहीं चेंज होना है, लेबर नहीं चेंज होना है। क्या वेरिएबल ओवरहेड चेंज हो सकता है? वेरिएबल ओवरहेड चेंज हो सकता है। क्यों 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 क्यों, बिल्कुल सही, मुबशिर अदीक सही कह रहे हो, बासित अली सैयद अली रजा, मुबशिर अदीक ठीक है, अमार सलमान सुहेल अली रजा, बहुत अच्छे से। क्योंकि लर्निंग की वजह से लेबर कॉस्ट चेंज होगी, तो लेबर का 25% कौन है? लेबर का 25% वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर है बात हमें भाईजन? अच्छा अब आगे बढ़े, सेलिंग एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, करंट वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आता है? वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में आता है लेबर प्लस ओवरहेड्स, लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स ना, सही है। तो करंट, करंट मतलब पहले बैच की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? पहले बैच की, पहले बैच की निकाल लो अगर, तो लेबर है 200 और ओवरहेड 50, तो यार 250, सही है ना, 250 दोनों को ऐड कर दिया ना, 200 और 150 को यार, सही है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, इसका एक और तरीका भी, पहले मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा तुम्हारी सोच बने। अच्छा मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, बता दीजिए, ये बता दीजिए मुझे काइंडली कि लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट अभी आ रही है 250, मुझे इसको कम करके कितना करना चाहिए? क्या मुझे ये फिगर बता सकते हैं? कंबाइंड कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए ये, कि 250 से कम होकर टारगेट कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए? सोचे, वेरी गुड आराफ, वेरी गुड हारिस इमरान, वेरी गुड मुबशिर अदीक। क्या लगता है आपको कि अभी 250 दोनों मिला के ये कितनी हो के मेरा पर्पज अचीव हो जाए, कितनी हो के मेरा मार्जिन 20% आ जाए, ये कितनी हो के मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए 20% मार्जिन का? वेरी गुड गुलाम मुस्तफा, अमार, मुझे आंसर चाहिए मुजम्मिल और मोहम्मद जुबैर, आंसर चाहिए अहमद, वेरी गुड, जैनब ने सही कहा, वेरी गुड जैनब, शिराज जुनेजो ने बिल्कुल सही कहा, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रिवर्स करके निकालो कितना आता है, नहीं 160 आता है, सलमान सुहेल 160 चाहिए ना अपने को, अगर 160 होगा तो जाके, अगर ये 160 होगा तो जाके ये हमारी जो 20% की ख्वाहिश है ये अचीव हो जाएगी। ओए होए होए, इरफान अली फॉर्म में है जी, इरफान अली फॉर्म में, इरफान अली फॉर्म में भाई। अच्छा आप जरा गौर करिएगा, सही है इरफान, वेरी गुड, एच कासमानी बिल्कुल सही कह रहे हो, बासित अली बिल्कुल सही कह रहे हो, हुज़ैफा बिल्कुल सही कहा, ज़िशान अख्तर बिल्कुल सही कहा। सेलिंग एक्सपेंस वेरिएबल होते हैं ना, इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं वेरिएबल मानना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट लिखा हुआ है, मुहित पर यूनिट लिखा हुआ है, इसलिए इसलिए ठीक है ना, पर यूनिट लिखा हुआ है इसलिए। अच्छा आप एक बात का जवाब दे दो जरा, कितनी होनी चाहिए, बैलेंसिंग करके निकाल लो। अच्छा फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, यूनिट ज्यादा होंगे तो ये कॉस्ट आएगी, यूनिट कम होंगे तो ये कॉस्ट आएगी, जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे, नहीं सही अली जरा फॉलो करो, जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतनी ज्यादा लर्निंग होगी, उतनी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, तो मुझे ज्यादा पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा पे काम करना पड़ेगा। हाजी इमरान सही, ऐसा भी कर सकते हो। अब अगली बात बड़ी प्यारी है, लर्निंग का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी, याद है? अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट, मैंने कहा ना मैं एक थोड़ा आउट ऑफ द वे सवाल करा रहा हूँ, ये वाई क्या होता है, व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई, व्हाट इज वाई, हाँ वाई क्या होता है, एवरेज टाइम होता है या कॉस्ट होता है? वैसे 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 एवरेज टाइम होता है, मगर हम चाहें तो इसको ये भी कर सकते हैं ना, बात हुई थी हमारी कि हम उसको क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट करते हैं। क्या ख्याल है, वैसे टाइम होता है मगर कॉस्ट भी कर सकते हैं ना, बात हुई थी हमारी। ए क्या होता है, टाइम टेकन फॉर, तो
और x क्या होता है? सही है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मैं आउट ऑफ द वे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा, अगर आंसर सही आएगा, आंसर सही आएगा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे काम कर रहा हूँ। मुझे बता दो यार, पहले ये बता दो कि हमें ये वाई क्या है, एवरेज इतना मिल जाना चाहिए, इतना मिल जाना चाहिए। फाइनली फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं बात को। यार पहले बैच का कितना है, पहले बैच की कॉस्ट कितनी है, पहले बैच की, हाँ पहले बैच की कॉस्ट कितनी है, हाँ पहले बैच की, पहले बैच की एवरेज कॉस्ट, हाँ नहीं डी भी है यार, डी भी है पहले बैच की, जी कितना, ये नहीं ना 250, देखो ना वेरिएबल ओवरहेड को भी तो मिला सकते हैं ना साथ। इस सवाल में वेरिएबल ओवरहेड चूंकि लेबर ये पक्का पक्का बेस कर रहा है, पक्का पक्का बेस कर रहा है, तो क्यों नहीं मिला सकते, क्यों नहीं मिला सकते, बिल्कुल मिला सकते हैं यार, बिल्कुल मिला सकते हैं। हाँ हाँ कॉस्ट इनकर्ड कर देंगे, वेरी गुड गुलाम मुस्तफा। सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया मैंने, मुगी दो बार, दूसरी बार बता रहा हूँ बेटा मैं आपको कि ये लिखा हुआ है पर यूनिट ना, ऊपर हेडिंग डली है पर यूनिट। जब ये पर यूनिट डली भी है तो चंदा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक यूनिट के हैं, और जब कुछ नहीं लिखा होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि पर यूनिट जो ज्यादातर गिवन होती है वो कौन सी होती है, सही है ना। अगर लमसम दे देता, लमसम अगर वो कहता लेट से चंदा 1 मिलियन है तो हम कहते ये तो फिक्स है, बट इसने कहा कि पर यूनिट है तो पर यूनिट का मतलब फिर हमें इंप्रेशन ऐसा मिल रहा है वेरिएबल। हाँ यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में इसने क्या कहा, फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन में उसमें उसने खुद ही फिक्स कह दिया, जब इसने लव फिक्स का कह दिया क्या मैं इसको वेरिएबल कह सकता हूँ, अपने मुंह से कह रहा है जी मेरा नाम फिक्स है तो मैं इसको वेरिएबल कर नहीं सकता ना, मसला ये। अगर ये खाली प्रोडक्शन ओवरहेड कहता तो मैं फिर सोच में पड़ जाता, फिर हो सकता है मैं इसको भी वेरिएबल ले लेता, मगर इसने क्लियर कर दिया कि जी वेरिएबल इतना है और फिक्स इतना है, मगर चूंकि सेलिंग एक्सपेंस में क्लियर नहीं किया नंबर 1, और नंबर 2 उसने कह दिया कि ये पर यूनिट है इसीलिए हमने जो है वो इसको सेलिंग ले लिया, बिल्कुल सही फिक्स वाला ओ यार है, वेरी गुड उमर फारूक, सेट है मुगीज, कुछ क्लियर हुई बात यार। देखो ये फिक्स का वर्ड आ रहा है ना चंदा यहाँ पे, इसीलिए तो पक्का पक्का फिक्स है, इसने शनाख्ती कार्ड भी लिख दिया, मगर इसके सेलिंग एक्सपेंस में कुछ नहीं लिखा चंदा, इसीलिए ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हाँ जल्दी से बता दो पहले बैच की कॉस्ट 200। अच्छा अली रजा ये भी कर सकते हैं, अली रजा आंसर सेम आने का, सही है अली रजा, जैसे आप कह रहे हो वैसे भी आंसर कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अच्छा वाई क्या है, अच्छा 1 मिनट, हाँ ये एक गड़बड़ है इसमें, एक गड़बड़ है इसमें, 1 मिनट जरा बात को समझना प्लीज यार। एक मिनट सुनना जरा प्लीज बात को, इसमें सही कर लेते हैं। हाँ ठीक है मार सही कह रहे हो। अच्छा ये पर बैच है पर यूनिट है, ये जो कॉस्ट है ये सारा का सारा क्या पर यूनिट है ना, तो इसको पर बैच में कन्वर्ट करो, ये तो पर यूनिट है, तो पर बैच क्या हो जाएगा, पर बैच अंदर से माने गए, अंदर से माने गए, हाँ हाँ कर दिया यही कह रहे हो ना तुम लोग, यही कह रहे हो ठीक है ना, सही है। और वाई मींस क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू मुहीफ सलमान सुहेल पीशा बशीर, वेरी गुड सिराज ने, सही कह रहे हो। वाई क्या होता है, अच्छा आप जरा गौर करिएगा, आपको क्या क्या पता है, आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है, एक्स नंबर ऑफ बैचेस निकालना, क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैचेस ये रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये पता है, बी पता है, ए पता है, पता है, इसका मतलब ये भी पता होना चाहिए, वाई ये भी पता होना चाहिए कि गिर के कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, वाई एवरेज कितना होना चाहिए बाद में, अभी एवरेज कितना है, अभी 250 है, बाद में एवरेज मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 160 चाहिए पर यूनिट, मैं यार पर बैच बताओ तो पर बैच हो जाएगा एवरेज कॉस्ट पर बैच, एवरेज कॉस्ट
पर बैच। वेरी गुड यार, जबरदस्त छा गए तुम लोग। बस बस पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। हो गया सवाल खत्म, हो गया सवाल खत्म। वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। बेस्ट हो गया आज तो। वाई कितना है भाई, टारगेट कम कम करके कितना 80 हो जाना चाहिए। ए कितना है 1,25,000। एक्स कितना नहीं पता, और बी कितना है -0.322। सॉल्व कर सकते हो उसको, सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। देखें एक्स क्या आ रहा है, एवरेज बताता हूं मैं, बिल्कुल बताता हूं। उसे छुटकारा कैसे पाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बात है, 4 आंसर आ गया जी, 4 4 बैचेस और 2,000 यूनिट्स। कुछ बात समझ आई चंदा, क्लियर हुई बात हमें? हाँ, एक चीज मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें हमने लर्निंग कर्व में बसित क्या देखा है कि लर्निंग कर्व होता है तो एवरेज क्या होता रहता है, जैसी लर्निंग कर्व होता है, जैसी लर्निंग होती है तो हमारा एवरेज क्या हो जाता है, जब लर्निंग होती है तो हमारा एवरेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। ऐसा है नहीं है, लर्निंग एवरेज टाइम पे लगती थी, याद है पहली क्लास से बात हो रही लर्निंग की जो संडे से चली, कि एवरेज हमारा क्या होता है लर्निंग की वजह से कम हो जाता है। तो जब लर्निंग की वजह से कम हो जाता है तो हमें कितना कम करना है, मुझे कितना कम करना है। हाँ बिल्कुल सही है, कितना कम करना है वही बता रहा हूँ मैं फातिमा, बिल्कुल फातिमा। इसी बात हो रही है कि वाई होता है एवरेज, जरा गौर करिएगा प्लीज, वाई होता है एवरेज जो कि लर्निंग की वजह से क्या होना चाहिए, शुड रिड्यूस ड्यू टू लर्निंग, सही है ना। तो कितना, हाउ मच रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, हाउ मच रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। वी हैव स्टार्टेड विद 250, वी हैव स्टार्टेड विद 250, ये 250 हमने इससे स्टार्ट किया था, मगर वी नीड टू एंड बाय 160, हमें 160 पे एंड करना पड़ेगा। तो हाउ मच रिडक्शन इज रिक्वायर्ड अप टिल 160, टिल 160, सही है ना, बिल्कुल। फ्रॉम 250, इसलिए 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 सही आ रही। सिमरन ऐसे भी कर सकते हैं, मगर मैंने कहा यार थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं ना हम अपना। हाँ आंसर सेम आ जाएगा, बिल्कुल लाइक टू लाइक हो जाएगा वो, 500 500 कैंसिल ऑफ हो जाएगा, क्योंकि देखो 500 यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, 500 यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो 500 500 नॉक ऑफ हो जाएगा, नॉक ऑफ हो जाएगा। नहीं नहीं डायरेक्ट आंसर निकाले, मुझे मसला नहीं है, इक्वेशन बनाना मस्त था, ये इक्वेशन बनाना मस्त था, बाकी आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट, ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया। बेहतर है कि यार हमारे बैचेस पे कर लो तो बेहतर है, क्लियर है बात। देखो ये जो देखो, अब एक और एंगल से भी समझ लो, आपको क्या क्या गिवन है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी, आपको क्या क्या पता है। अगर आप गौर करें, वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी में आपको ए पता है, आपको x नहीं पता है, आपको b पता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको x निकालना है तो मैथ क्या कहती है, अक्कल क्या कहती है कि ये कहीं ना कहीं से मिलेगा, ये कहीं ना कहीं से मिलेगा, इसके बगैर सवाल हो नहीं सकता, क्योंकि 4 में से 3 बातें पता होंगी तो चौथी चीज आएगी ना, अगर 2 पता होंगी 2 नहीं पता होंगी तो फिर तो गेम बहुत खराब हो जाएगा यार, फिर तो नहीं हो सकता काम अपना, क्या ख्याल है? अरे एक मिनट, क्लियर है बात हमें भाईजान, सही है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाँ तो एवरेज निकालना था, क्योंकि एवरेज नहीं निकलेगा तो काम नहीं हो सकता, ये तो अननोन है, ये तो पक्का पक्का रिक्वायर्ड है, तो ये हमें कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से ढूंढना था, जो हमने ढूंढ के निकाल लिया। 160 एवरेज इस तरह हुआ ना कि हमें काम कर करके इतना ज्यादा करना है अपने टाइम को। लर्निंग की वजह से क्या होता है, बिल्कुल अगर मैं पहले पेज पे लेके चलूं, अगर मैं आपको पहले पेज पे लेके चलूं, देखो क्या हुआ, अगर मैं बिल्कुल पहले पेज पे लेके चलूं तो क्या होता रहता है, एवरेज टाइम कम होता रहता है, जरा गौर करिएगा। नहीं नहीं नहीं
एवरेज टाइम कम होता रहता है, ये किसकी वजह से कम हो रहा है, ये लर्निंग की वजह से कम हो रहा है। तो आज वो क्या कह रहा है, आज वो कह रहा है कि भाई मुझे इतना कर दो, इतना कर दो कि मेरा सीएम परसेंटेज कितना हो जाए, मुझे इतना कर दो, इतनी क्वांटिटी बना दो कि सीएम परसेंटेज 20 हो जाए। सही है ना, सीएम परसेंटेज 20 हो जाए। 160 का लिखा है, 160 हमने निकाला है, रिवर्स वर्किंग करके निकाला है। 160 निकालने का मैं एक तरीका और बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो मुगी जी जो सवाल है, एवरेज कहीं लिखा हुआ नहीं, मगर हमारी सोच ये बन रही है कि यार अगर मैं फॉर्मूला लगाना है, अगर मैं फॉर्मूला लगाना है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बगैर उसके फॉर्मूला लगा लेना। 500 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि लर्निंग जो होगी बासित वो किस तरह होगी, जो लर्निंग होगी वो किस तरह होगी, लर्निंग बैच वाइज होगी ना, फर्स्ट बैच लिखा हुआ था, जो लर्निंग है ये देखें बैच वाइज होगी। अच्छा एक और तरीके से निकालते हैं, एक और तरीके से निकालते हैं, जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा, एक और तरीके से निकालते हैं, एक और तरीके से निकालते हैं, जरा गौर करिएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, प्लीज जरा गौर करिएगा। 450 सवाल खोले, अपनी किताब आपके पास मौजूद है, लेस करें इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। मटेरियल कितना मटेरियल है, ये रहा मटेरियल सर 180, सही है ना, जरा और करिएगा। मटेरियल कितना है 180, लेबर कितना है, अच्छा अच्छा एक मिनट, इसमें से पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस करें, जरा फॉलो करिएगा बार को, एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसमें से कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस करें जो हमें चाहिए 20%, कितना बनता है 90 माइनस करें, क्या मैं कह रहा हूँ ये मेरी टारगेट कॉस्ट है, टारगेट समझते हैं कि मैं इससे ज्यादा एक रुपया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मेरी है टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, एग्री करते हैं, टारगेट समझते हैं ना, जो क्रिकेट में नहीं होता टारगेट मैच जीतना है तो इतने रन बनाने, वरना मैच नहीं जीत सकते आप, तो ये मिनिमम टारगेट कॉस्ट है, मिनिमम टारगेट कॉस्ट है, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड उमर फारूक, उमर फारूक का कमेंट पढ़े, बहुत बड़ा कमेंट है मगर बहुत अच्छा कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट है, गेम समझ आ जाएगी। अब ये 360 आ गया टारगेट कॉस्ट, जरा गौर करिएगा। अब हमारी कॉस्ट कौन कौन सी है, कॉस्ट कौन कौन सी है, कॉस्ट में हमारे पास मटीरियल है कितने का 180 का, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड के बारे में छोड़ दो, और हमें क्या पता है, 180 रुपए का मटेरियल है और वो वेरिएबल सेलिंग 20 रुपए की है, हाँ इसमें से बाकी कंफर्म कॉस्ट कौन सी है, टारगेट कॉस्ट में से कंफर्म कॉस्ट कौन सी है, कंफर्म कॉस्ट समझते हो, कंफर्म कॉस्ट का मतलब है जो जो लर्निंग ये चेंज नहीं होगी, जो लर्निंग ये चेंज नहीं होगी, मटेरियल कॉस्ट कंफर्म है और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कंफर्म है, हमारी बात समझ आ रही है, दूसरा टोटका वेरिएबल सेलिंग कंफर्म है, कंफर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ, टारगेट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कितना हुआ, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसा, बिल्कुल सही है, हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा। देखो सोच कहां से बनी, मेरी सोच, मेरे सवाल बड़ा ऐसे तरीके से कराया कि पेपर में आप कैसे करोगे, पेपर में आपकी सोच क्या आएगी, पेपर में कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया तो वो क्या करेगा, उसने पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला पुराना, बंदे ने पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला पुराना वाला, पहले पुराना, तो ये आया जीरो। देखो बात समझना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीएम बना के इसने देखा सीएम जीरो आ रहा है, पता चला सीएम में तो भंड हो गया, सीएम में तो मसला हो गया, सीएम वो कितना चाहता है, वो तो 20 चाहता है और हमारा कितना आ रहा है, सिफर आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो गड़बड़ हो गई। देखो ना बात तो यहां से शुरू हुई कि हमने तो सीएम मांगा था 20 और अभी हमारा सीएम आज कितना है, आज ये जो डेटा सवाल में लिखा हुआ है, अगर मैं इस डेटा को अप्लाई कर दूं तो पता चला सीएम तो कुछ भी नहीं है, जेब खाली है यार। तो अब फिर बाद में ख्याल आया कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, तो भाई ख्याल ये आया कि भाई देखो दुनिया में दो ही तरीके होते हैं सीएम बढ़ाने के, जीरो से 20 पे जाने दो ही तरीके हैं, या तो सेलिंग प्राइस बढ़ा दो या कॉस्ट कम कर दो, याद आई बात, अच्छा बासित अली लर्निंग जो हो रही है वो बैच वाइज हो रही है या यूनिट वाइज हो रही है, इस सवाल में क्या लगता है, लर्निंग जो है वो बैच वाइज है यूनिट वाइज है, कैसे पता चलता है आपको, तो जब बैचेस में है, और ये डेटा किस में है, ये जो डेटा आपको सवाल में दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, तो मैं कैसे लाइक टू लाइक करूं, इसको लाइक टू लाइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिर मुझे इस डेटा को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है सलमान सुहेल, ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जरा गौर करिएगा,
मैं अगर सेलिंग प्राइस पे रहूँ, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, प्लीज फॉलो करिएगा, ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, मटेरियल कॉस्ट सेम रहेगी, वेरिएबल सेलिंग सेम रहेगा। अब मेरे पास एक ही एक ही एक ही एक ही रास्ता है कि मैं क्या करूं, सेलिंग प्राइस नहीं छेड़ सकता, मटेरियल नहीं छेड़ सकता, वेरिएबल सेलिंग नहीं छेड़ सकता, मैं इन दोनों को छेड़ूं, मैं इन दोनों को लर्निंग की वजह से कम करा दूं, लर्निंग जितनी ज्यादा उतनी कॉस्ट कम, लर्निंग जितनी ज्यादा उतनी कॉस्ट कम। तो कॉस्ट कम कर करके कितनी करनी है, अभी 250 आ रही है, अभी 250 आ रही है, इसको कम करके कितना करना है, तो कम करके कितना करना है, 160 करना है। हाँ, ये 160 हो जाएगा तो बस फिर मेरा मकसद अजीब हो जाएगा, बात समझ रहे हो। देखिए कोई और ऑप्शन नहीं है, ये कहना गलत होगा सलमान सुहेल, ये कहना गलत होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ये कहना सही होगा कि अगर मुझे 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न करना है तो मजबूरन मुझे पास कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, टारगेट कॉस्ट कितनी है, कह भी सकते हैं इतना से, मगर आप इसको इस एंगल से देखें कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 20% अर्न करने के लिए मुझे अपनी कॉस्ट को गिराना होगा, कम करना होगा, कहां तक लाना होगा 160, ठीक है ना, 160 तक लाना होगा, इसीलिए हमने 160 पे काम किया। मगर ये पर यूनिट था तो इसको पर बैच कन्वर्ट किया गया, ताकि ये पर बैच बन जाए, और फिर हमने फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, चलिए यहाँ नमाज का ब्रेक लेते हैं जी। और भाई यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है जी, चलें। इससे ज्यादा नीचे नहीं है यार, अभी इसको नोट कर लो, ब्रेक कर पालो लोग तो मिले सानी अफाउ कौली को बेज नील मा को बेज नील मा को बेज नील मा। अच्छा जी, बस एक छोटा सा फाइनल कमेंट देके सवाल को क्लोज करेंगे। फाइनल कमेंट ये है कि आज से पहले हमने ये देखा था कि यूनिट्स जैसे जैसे ज्यादा होते रहते हैं, एवरेज टाइम क्या होता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है ना। आज से पहले हमने ये देखा था यूनिट बढ़ते रहते हैं तो एवरेज टाइम कम होता रहता है। आज क्या सीन था कि आज, अच्छा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यूनिट बढ़ते हैं तो एवरेज कॉस्ट भी कम होती रहती है ना, एवरेज कॉस्ट, चाहे फॉर्मूला हो चाहे टेबल हो, हमें एवरेज बताता है, ठीक है ना। टॉपिक क्योंकि एंड हो रहा है, मेरे ख्याल से कंक्लूजन जरूरी है, ये यूनिट बढ़ते हैं तो टाइम कम होता है, आवर्स कम होते हैं और कॉस्ट भी कम होती है। इस सवाल में क्या सिनेरियो होता है, इस सवाल में इस प्रैक्टिकलिटी को इसने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। सिंगल एंट्री पढ़ा है ना सबने FA1 में, हाँ, तो सिंगल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि इसने कहा भाई कॉस्ट कम करनी है, यस ये गिवन था और ये गिवन नहीं था, ये अननोन था, ये गिवन था और ये हमारे पास अननोन था, अननोन मींस के हमें फाइंड करना था, रिवर्स वर्किंग जिसे कहते हैं ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीकेकार हो सकता है कि इसने कहा भाई अभी जो कॉस्ट है ना वो 250 है और बाद में कॉस्ट आपको कितनी करनी है, 160 करनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप चलते जाते हो कि 100 से 80 हुए, 64 हुए, 51.2 हुए, तो आप देखो जैसे जैसे आगे बढ़े खुद ब खुद आर्ट्स कम होते जा रहे हैं, मगर ये कह रहे रुकना है, कहाँ रुक रहे हैं आप, बस फौरन रुक जाओ जहाँ पे 160 हो जाए, वो कह रहे हैं ऐसा वहां रुक जाओ जहाँ 160 हो जाए। और 160 कैसे आया, 160 ऐसे आया कि 250 पे 250 पे सीएम परसेंटेज कितना था, 0% था, और 160 होगी तो जाके सीएम परसेंटेज कितना होगा, 20। तो 20% सीएम कमाने के लिए अगर मैं कंक्लूड करूं 160 का कॉस्ट होना जरूरी। और ये 160 का मतलब क्या है, ये कब होगा, ये पहले यूनिट में नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब आप ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, जब आप ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे। ठीक है जी, उमर फारूक का कमेंट आया हुआ है, बैचेस की लिमिट लर्निंग कर्व की है, ठीक है कह सकते हैं इतना से। अच्छा आप जरा यार प्लीज गेम को आगे बढ़ाते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम, और फिर टेस्ट के जो CVP के सवाल है वो मैं कराऊंगा ताकि CVP आपका रिकॉल हो जाए। एक सवाल मेरे जिम्मे रह गया है जी, इसमें से आई थिंक उसका लिमिटेड सॉल्यूशन करना जरूरी है। ये क्या हुआ, ओवरहेड भी आ गया इसमें, ठीक है जी मेरे ख्याल से। अच्छा ये सवाल कौन सा था भाई, अच्छा ये सवाल देखिएगा प्लीज, एक और सवाल है जो आप ही के कैफ लेवल पे आया हुआ है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक अच्छे लेवल पे डिस्कस करके सवाल को एंड कर देंगे। ऑटम 2017 में 12 मार्क का सवाल है भाई, रेलिवेंट कॉस्टिंग का, ये सवाल रेलिवेंट कॉस्टिंग का है आप ही के लेवल का, मगर इसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग है जो है लर्निंग कर्व की एक एडजस्टमेंट आई हुई, लास्ट पेपर में भी यही हुआ था,
ये रेलेवेंट क्वेश्चन के सवाल में लर्निंग कर्व का एडजस्टमेंट आ गया था। सवाल पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, डिटरमिन वेदर डीईएल में एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर। हम कौन है, डीईएल है या एनटीआर है, हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है, क्या लग रहा है रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या लग रहा है, सवाल तो पढ़ लेंगे। हम कौन है, डीईएल है या एनटीआर है, ये टैक्स वाला एनटीआर नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। हम कौन है जी, हम हैं डेल है ना, डेल डीईएल, बिल्कुल सही है जी। डेल लिखा तुमने, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। टैक्स में एफटीआर एनटीआर होता है, हम यहाँ पे डेल हैं और ये कह रहे हैं कि ऑर्डर एनटीआर से लें या ना लें, ठीक है जी, एनटीआर सप्लायर है, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते जी, डीईएल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर रेडिएटर फॉर कार मैन्युफैक्चरर, रेडिएटर समझते ना, गाड़ी में लगता है रेडिएटर, सही है, रेडिएटर फॉर कार मैन्युफैक्चरर इन नॉर्मल ऑपरेशन अबाउट 200,000 यूनिट्स आर सोल्ड पर एनम एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 15,000 पर यूनिट। आम हालात में आप सालाना एनुअल बेसिस पे कितना यूनिट सेल कर पाते हो, एनुअल बेसिस पे 200,000 यूनिट सेल कर पाते हैं, और एक रेडिएटर 15,000 रुपए का है, वाकई यार बड़ा महंगा होता है रेडिएटर वैसे ना, 15,000 रुपए का, सही है, हाँ बिल्कुल। चार क्वांटिटी निकालना था आरफ, क्वांटिटी निकाल दी, सवाल खत्म, हाँ चार बैच यानी कि 2,000 यूनिट, पिछले सवाल में क्वांटिटी निकालनी थी, हमने निकाल लिया, सवाल एंड हो गया। एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 15,000 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट, यू वेलकम, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय 500 हाईली स्किल्ड कल्टस का 4,500 का होता है यार, अली माफ कर दो, अभी कल्टस की बात नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड आउट बाय 500 हाईली स्किल्ड लेबर्स हु वर्क इन एन एवरेज ऑफ 180 आवर्स पर मंथ एट 250 पर आवर। ये काम कौन करता है, इस काम को करने के लिए हमारे पास 500 लोग हैं, 500 बंदा है हमारे पास, ये 500 बंदों की फौज है हमारे पास की, ये 500 बंदों का लेबर है जो कितने घंटे काम करते हैं, 180। याद है एक सवाल में 174 देखा था, पिछली क्लास में ही देखा था, याद है अदनान का सवाल किया था उसमें 174 था, याद आ रहा है कुछ आपको, आज कितना है, 174 नहीं, आज 80 है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, गेम को आगे बढ़ाते हैं जरा, तो गेम को जरा मजीद आगे बढ़ाते हैं। क्या केयर है भाई हमसे, यही के रॉ मटेरियल कॉस्ट 3,000 पर यूनिट, रॉ मटेरियल 3,000 का, 15,000 का रेडिएटर, 3,000 रुपए का मटेरियल है, एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड और एस्टिमेटेड 540 मिलियन। यार खाली फैक्ट्री ओवरहेड लिखा भाई, कौन सा है खाली फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, ये वेरिएबल है फिक्स्ड है, जब खाली फैक्ट्री ओवरहेड लिखा होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें बड़ा पता है यार चंदा। हाँ बिल्कुल जी, ठीक है, दोनों है, टोटल, वेरी गुड उमेश राज, सही कह रहे हो, बेहतरीन हो गया, देना दोनों, हाँ फिक्स और वेरिएबल दोनों है, ठीक है बाबा। आगे चले जरा, गेम को आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कह रहे हैं के आगे हमसे कहा जा रहा है कि क्या करें जी, आगे हमसे कह रहे हैं कि वेरिएबल ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो जरा एक काम करो ना यार, बगैर टाइम जाया किए यार जल्दी से मुझे बता दो वेरिएबल ओवरहेड कितने होंगे बगैर टाइम जाया किए, वेरी गुड अली रजा, बहुत अच्छे यार, मैं चाह रहा हूँ बगैर टाइम जाया किए तुम लोग मुझे जरा बताते हो, हाँ ट्राई करो क्या सीन है, मुझे जरा यार ये बताओ कि वेरिएबल ओवरहेड कितना है, तो फिक्स ओवरहेड मैं बता दूंगा, चलो और बोलो यार क्या याद करोगे तुम लोग, क्या याद करोगे, इसमें वेरिएबल लेबर कॉस्ट कितना है भाई, आओ जरा गेम को आगे बढ़ाते हैं यार, 67,500 कह रहे हो तुम लोग, ये सही है, ये कौन आया भाई, किसका आंसर आया, मुझे मिलियन में बताने का भाई, कितना बंदा है हमारे पास, 500 बंदा है, जरा देखना जरा प्लीज, मुझे गेम में आना पड़ेगा। करंट लेबर कॉस्ट कितनी है, करंट लेबर कॉस्ट कितनी है निकाल लो, 250 रुपए पर घंटा है, 180 एक महीने के भाईजान, एक महीने के 12 से कौन मल्टीप्लाई करेगा, करंट लेबर कॉस्ट कितनी है, मैं जरा ये वापस से कैलकुलेट करता हूँ, 500 लोग हैं
800 एम्प्लॉइज हैं, सही है। कितने घंटे काम करते हैं? 180 घंटे काम करते हैं। ये एक महीने के आ रहे हैं, 12 महीने काम करेंगे, 12 महीने काम करने का हमारा लेबर, सही है। मल्टीप्लाई कर दो 250 से, कितना आता है ये, कितना आता है ये, 180 मिलियन आ रहा है ये। हाँ कितना आ रही है ये, कितना आ रही है ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, 27 आ रहा है? नहीं यार, अरे चंदा 500, अच्छा सत्ताईस मिलियन आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रही है, आगे क्या कह रही है कि ये जो भी है, ये इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 से, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट है, 500 इंटू 180, अब इसको 1.270 मिलियन आ गया, सही है, 270 मिलियन आ गया। अब 270 में से वो करो ना जरा यार, क्या नाम है, वेरिएबल ओवरहेड कितना हो जाएगा? अच्छा टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 540 मिलियन, इसमें ब्रेक कर दो, वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है, 270 इंटू 1.5, एग्री करते हो? कितना बना भजन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलमान सुहेल, जबरदस्त हो गया, 5 मिलियन वेरिएबल है यार, बेहतरीन हो गया बात। और जरा फिक्स बता दो कितना है भाई, सही है, पर यूनिट निकाल सकते हो, पर यूनिट निकाल सकते हो, पर यूनिट निकालना कोई मसला ही नहीं है। 270 मिलियन को, 270 मिलियन को 2 लाख यूनिट से डिवाइड करो, 2 लाख के कितने यूनिट है, 2 लाख यूनिट से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 135 आएगा पर यूनिट, हाँ 1350 पर यूनिट। देखो ना सवाल का पोस्टमार्टम हो रहा है, सही है, सवाल के साथ साथ पोस्टमार्टम करते जाओ। और वेरिएबल ओवरहेड का क्या सीन है, इसको 2 लाख यूनिट से डिवाइड करो, इसका पर यूनिट कितना आएगा। फिक्स को पर यूनिट करने की जरूरत नहीं है, फिक्स तो जनरल होता है, जनरल होता है, कमिटेड होता है, टोटल होता है, इररिलेवेंट होता है, जी 2025, थैंक यू वैशुरती, 2025 क्या ये बात समझ आती है भजन आपको, कोई मुश्किल तो नहीं है? हरमीन ठीक है, थैंक यू, जबरदस्त वैशुरती, वेरी गुड, जबरदस्त हो गई बात, यहां तक बात साथ है भाई, आगे बढ़ जाएं, गेम को आगे बढ़ाएं जरा कुछ। 180 वर्कर्स, 180 आर्ट्स पर वर्कर है, यस यस, जाहिर सी बात है यार, एक बंदे के 180 घंटे हैं, 500 लोग मिला के 180 हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ऐसा लगेगा कि हर बंदा जो है वो 25 मिनट के लिए आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना, गड़बड़ हो जाएगी। एवरेज भी लिखा हुआ है ना, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, पर वर्कर, सही है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं जरा प्लीज, यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, क्लियर है बात, हमें कोई मुश्किल तो नहीं है बात यहाँ पे, मगर ये पोस्टमार्टम सवाल में रुकना नहीं है, पोस्टमार्टम फौरन कर दो, फौरन कर डालो पोस्टमार्टम। अच्छा आगे पढ़ना, DEL has received an offer from TRU Limited, जरा हॉर करिएगा, इंपॉर्टेंट बात आ गई, ठीक है जरा हॉर करिएगा, मैं पूरा सवाल नहीं करूंगा, एक लिमिटेड डिस्कशन करके एंड करेंगे। DEL Limited has received an offer from TRU Limited to manufacture 4000 units of radiator of trucks at 50,000 per unit. अभी ये ऑर्डर आ गया भाई NTR का, DEL Limited has offer from NTR, भी बाद में आते चलो। DEL has received an offer from TRU Limited to manufacture 4000 units of radiator of trucks at 50,000 per unit. DEL is expected to earn significantly higher margin on this order and it planned to stop normal production for this purpose. It had already procured raw material for 60 million but before the start of manufacturing it came to know that TRU has gone into liquidation. Oh my god, Allah maaf kare, corona virus aa gaya bhai. Aur DEL Limited bada khush tha ji, badi achhi zindagi guzar rahi thi. DL ने कहा 4000 यूनिट भेज देंगे, बड़े महंगे दामों, जो जो रेडिएटर 15,000 रुपए का आता था गाड़ी का, अब हम ट्रक का रेडिएटर 50,000 रुपए का बेचेंगे जी, 50,000 रुपए का बेचेंगे। अब 50,000 रुपए का बेचने का आपने इरादा किया, 4000 यूनिट डन हो गए, मगर पता चला और आपने 60 मिलियन खरीद लिया, 6 करोड़ का मटेरियल भी खरीद लिया, 60 मिलियन जो यार 6 करोड़ का मटेरियल भी खरीद लिया, मगर जैसी मटेरियल खरीदा पता चला कि यार TRU तो चला गया लिक्विडेशन में, टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है ना, वो तो लिक्विडेशन में चला गया। अब आप बीच में अटक गए, अब आप क्या करेंगे, अब आप जरा गौर करें, टू डील विद द सिचुएशन, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया, DEL मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज नेगोशिएटेड विद अनदर ट्रक मैन्युफैक्चरर NTR लिमिटेड।
डीएल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केट में जगह जगह घुमा और उसने देखा भाई ये ट्रक के रेडिटर कौन लेगा, तो एक ट्रक मैन्युफैक्चरर था एनटीआर लिमिटेड। कोई ट्रक मैन्युफैक्चरर का नाम बताओ, तुम लोग जानते हो किसी ट्रक मैन्युफैक्चरर को? हाँ, कोई ट्रक मैन्युफैक्चरर तुम्हारे ध्यान में आता है? एनीवन? हिनोपाक, वेरी गुड वेरी गुड। हिनोपाक साइड एरिया में इनकी फैक्ट्री है। एक सपोज कर ले मिलर ट्रैक्टर, ओ भाई मैं ये ट्रैक्टर नहीं बोल रहा, ट्रक कह रहा हूँ, ट्रैक्टर नहीं, कैटरपिलर की मशीनें होती हैं यार, निसान, ओके, एफए मोटर्स, मज़दा, क्या बात है, तुम लोगों के बड़े माशाल्लाह कॉमन सेंस बड़ी अच्छी है। ठीक है जी, हिनोपाक भी अच्छा है, सही है। फोर्ड, भाई पाकिस्तान की बात हो रही है, तुम लोग ये बात दी जाओ दूसरे मुल्कों में। खैर, तो सुजुकी, सुजुकी में खास कहाँ बनाता है यार ट्रैक्टर, सुजुकी वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ माइके वाइके बना लेता है यार। चलो खैर कोई बात नहीं, हिनोपाक मान लेते हैं ऐसे ही ना। तो इन्होंने एक ट्रक मैन्युफैक्चरर ढूंढा और उसको बोला भाई ये आगे क्या लिखा है, एनटीआर लिमिटेड, एनटीआर स्पेसिफिकेशन आर स्लाइटली डिफरेंट एंड प्राइस ऑफर्ड बाय एनटीआर इज 40,000 पर यूनिट। एनटीआर ने कहा भाई जन आप हमारे पास आए हो तो आपका दिल रखने के लिए 50 का तो नहीं लेंगे, 40 का फिर भी ले लेंगे, मगर 40 का लेने के लिए आपको मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिकेशन डिफरेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, शायद थोड़ी सी टेलरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंट ट्रक बनाना पड़ेगा मेरे लिए थोड़ा सा, मगर मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ 40,000 रुपए। अच्छा मुझे बताओ आपके लिए रेलिवेंट कौन सी है, 50 रेलिवेंट है या 40 रेलिवेंट है, बता दो, 50 रेलिवेंट है या 40 रेलिवेंट है? काम की सेलिंग प्राइस अब क्या हो गई, कन्फर्म कन्फर्म पक्का पक्का हमारे लिए तो 50 रेलिवेंट ना ही है, ना ही है, ना ही है हमारे लिए। रेलिवेंट कितना है? वेरी गुड, 50 रेलिवेंट है जी चंदा। रेलिवेंट इररेलिवेंट, संक कॉस्ट पास कॉस्ट इररेलिवेंट, संक फिगर पास फिगर इररेलिवेंट, 40,000 रेलिवेंट है चंदा। यूनिट्स वही है जी, यूनिट्स वही है, यूनिट कितने, 4,000। अच्छा आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन द न्यू ऑर्डर एंड अदर रेलिवेंट कॉस्ट आर एज फॉलोस। देख रहे हो क्या वर्ड यूज हो रहा है, टू बी इनकर्ड, टू बी इनकर्ड, टू बी इनकर्ड एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। इसका मतलब ये जो डिटेल आ रही है रेलिवेंट कॉस्ट की आ रही है। एग्री करते हो जी? सवाल यहां तक समझ आ रहा है? 50 की कहानी खत्म हुई जी, समाप्त कर दी हमने उसको। ठीक है जी, आगे चले जी। एडिशनल रॉ मटेरियल ऑफ 12 मिलियन वुड हैव टू बी परचेज फॉर एनटीआर ऑर्डर। हाँ भाई, रेलिवेंट है रेलिवेंट है चंदा, बता दो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है? पक्का पक्का साफ साफ रेलिवेंट है। ठीक है आगे बढ़ो भाई, रेलिवेंट आर लिख दिया, रेलिवेंट बोले तो आर, ठीक है ना भाई, आ रही है। ठीक है जी आगे चलते हैं। डीएल एक्सपेक्ट दैट फर्स्ट यूनिट वुड टेक 10 आवर्स। ये बड़ी बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट है यार, ये एडजस्टमेंट अगर तुमने नहीं बताई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा, समझो मैं नाराज हो जाऊंगा सीरियसली। ये एडजस्टमेंट अगर तुमने सही नहीं बताई तो डीएल एक्सपेक्ट दैट फर्स्ट यूनिट वुड टेक 10 आवर्स। लर्निंग किस तरह होगी, लर्निंग किस तरह होगी, बैच वाइज होगी, यूनिट वाइज होगी? पक्का पक्का साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट। आगे चलना यूनिट वाइज होगी। वर्ड यूनिट वुड टेक 10 आवर्स। ये 10 क्या है बताओ, तुम जानते हो इसको, इस 10 का तुम्हें नाम पता है, तुम इसको पहचानते हो, इस 10 का एक नाम है, नाम है, क्या नाम है इसका? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह जबरदस्त लर्निंग का अभी ताजा पड़ा, देखो बड़ा क्राइम हो जाएगा। आगे चलना, द लेबर टाइम वुड बी सब्जेक्ट टू 95% लर्निंग। 95% लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है या 75% लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है? ऐसे एक आपस की बात है, आपस का सवाल है, 95% लर्निंग रेट ज्यादा एफिशिएंट होता है या 75% ज्यादा एफिशिएंट होता है? बहुत अच्छे माशाल्लाह जबरदस्त वेरी गुड। आगे चलो आगे चलो, और लर्निंग खत्म हो जाएगी चंदा, कहाँ पे खत्म हो जाएगी लर्निंग? लर्निंग रेट अप टू 1,000 यूनिट, 1,000 यूनिट पे लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। मगर हमें कितने यूनिट बनाने, हमें कितने यूनिट बनाने, हमें कितने यूनिट बनाने, हमें तो बनाने हैं 1,000 नहीं, हमें तो बनाने हैं 4,000, 4,000 बिल्कुल सही है, 4,000 बनाने। आगे चलना, विद लर्निंग विदाउट लर्निंग याद आ रहा है? देयर आफ्टर द लर्निंग रेट वुड स्टॉप, द इंडेक्स ऑफ 95% लर्निंग कर्व, लर्निंग इज -0.074। मैं बगैर आगे बढ़े, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता अभी, मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता, मुझे अभी जरा फौरन फौरन बगैर टाइम जाए किए, लेबर के घंटे बताओ कितने, लेबर का घंटा बताओ कितना है, घंटा जल्दी बता दो, ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देखनी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हर बंदा बता सकता है यार, बिल्कुल सही अली रजा, गेम को आगे बढ़ाओ, मुझे आर्ट बता दो, मुझे सिर्फ आर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और हर बंदे से चाहिए, नॉट अ सिंगल एक्सक्यूज फ्रॉम एनी वन, नॉट अ सिंगल एक्सक्यूज फ्रॉम एनी वन, इतना ही काफी है डेटा, 4,000 यूनिट्स है, सही है जी, इतना ही डेटा काफी है जितना मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। कहाँ गया भाई 4,000 यूनिट्स? मुझे लेबर आर्ट चाहिए भजन 4,000 यूनिट्स के, हर बंदा बता सकता है, 2 मार्क कम अज कम होने चाहिए एडजस्टमेंट के, नतज आने शुरू हो गए भाई।
नतज आने शुरू हो गए। अरमीन वेरी गुड। अरमीन और मुबशर का अंदर थोड़ा फर्क आ रहा है। मुझे नहीं पता आरिफ ना, मुझे टोटल चाहिए था ना, मुझे टोटल चाहिए, मुझे तो टोटल चाहिए भाई, टोटल टोटल टोटल। जी मुझे आंसर चाहिए टोटल आज 4,000 यूनिट्स के। नतीजे का सिलसिला जारी है जी, टोटल टोटल बता दें कितने। ठीक है, गलती नहीं करना यार, देखो गलती नहीं करना। 4,000 यूनिट्स है, 40,000 नहीं है, 4,000 यूनिट्स है। 1,000 अलग, 3,000 अलग। 1,000 यूनिट्स तक लर्निंग हो रही है, लर्निंग इसका रुक जाती है। 1,000 तक लर्निंग हो रही है, 3,000 तक नहीं हो रही है। ये ना कुछ गलत कर दो तुम लोग, गलत हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं। जी अच्छा भाई, मेरे ख्याल से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास से। ठीक है ठीक है ठीक है, आज का आसमानी ठीक है। उमेर नहीं यार, बहुत कम आ रहा है यार आंसर, बहुत रेंज से बाहर आ रहा है, रेंज से बाहर आ रहा है आंसर, रेंज से बाहर आ रहा है। चंदा इसको सही करो। अच्छा अभी यार जरा प्लीज जरा गौर करिएगा प्लीज यार, ये बताओ कितने कितने मिनट बनाने हैं। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करते हैं अंदर सही आ रहा है गलत आ रहा है। टोटल प्रोडक्शन कितनी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी है, इसमें से विद लर्निंग कितने, विदाउट लर्निंग कितने, विद लर्निंग कितने हैं, विदाउट लर्निंग कितने हैं, विद लर्निंग कितने हैं, 1,000, और विदाउट लर्निंग कितने हैं। तो विद लर्निंग का टाइम निकाल लो, क्या आएगा टाइम, विद लर्निंग का टाइम निकाल लो। ए कितना है, ए 10, 1,000, और लर्निंग का रेट इंडेक्स दिया है -0.074, -0.074। निकालें क्या आ रहा है एवरेज, निकालिए एवरेज कितना आ रहा है, 5.99 आ रहा है। ठीक है ठीक है, 5.9979। अच्छा ये एवरेज आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1,000 से, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1,000 से। ठीक है मोशी, चेक करते हैं अभी। टोटल टाइम आ जाएगा कितना आ रहा है, टोटल टाइम फॉर 1,000 यूनिट्स 5998, 6,000 भी सही है, चल जाएगा।
सही है 5998 आ गया। कितने लोगों ने ये निकाल, ये सही है भाई, ये वाला एरिया सबका सही है। ये तो आसान था ना, ये तो आसान था, सही है, सही है, थैंक यू अरमीन। अच्छा आप बता आगे बढ़ जाओ, ठीक है सही है, माशाल्लाह वेरी गुड। जुबैर, मुबशिर अतीक, शिराज, बासित अली, राव कबीर, आराफ, वेरी गुड। ये सबका आना चाहिए था यार वैसे ना, नहीं? अच्छा विदाउट लर्निंग यूनिट्स का क्या सीन है, विदाउट लर्निंग यूनिट्स का क्या सीन है, विदाउट लर्निंग यूनिट्स में कौन सा टाइम लगेगा? टाइम फॉर कौन सा? नहीं नहीं 999 तो नहीं, टाइम फॉर 1000 यूनिट विल बी यूज्ड फॉर ऑल यूनिट्स विदाउट लर्निंग। सही है, कितना आ रहा है टाइम, 1000 यूनिट का टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम फॉर 1000 यूनिट्स, सही कैसे, टोटल टाइम फॉर 1000 यूनिट्स y इज इक्वल टू ax की पावर b। हाँ सही है, निकाल लेते हैं यार, अभी निकाल लेते सबर। हाँ क्या कह रहे हो, a कितना 10 है, x है 1000, नहीं ये तो निकाल लिया ना, टोटल टाइम फॉर 1000 यूनिट्स तो निकला हुआ है ना हमारे पास, 1000 यूनिट का टाइम तो अभी निकाला है, 5998 इसमें से लेस कर दीजिए, टोटल टाइम फॉर 999 यूनिट्स, कैसे निकलेगा? y इज इक्वल टू 10 इंटू 999 की पावर माइनस 0.074, कितना बना चंदा, कितना बना, हाँ कितना आ रहा है ये, ठीक है 5, ठीक है 5.998 आ रहा है, 84 कर लेते हैं, 999 5992.3.4 कर लें, चलो ठीक है माइनस कर लें 5.64, नहीं 6 आ रहा है, नहीं 5.64 नहीं आ रहा, ठीक है 5.6 सही है, 6 भी चल जाएगा यार वैसे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं बहुत ही एक्यूरेट चल रहा हूँ, तुम लोगों ने राउंड किया, वर्किंग अगर यही की है तो मसला नहीं है, देखो वर्किंग यही की है तो मसला नहीं है, 5986 नहीं है ये शिराज ने जो, बिल्कुल भी नहीं, राउंडों की वजह से डिफरेंस आ रहा है, अप्रोच यही है ना बस, सही है अप्रोच ही होनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है यार चंदा, तो जरा फाइनल करो यार गेम को फाइनल करो, इतना बड़ा मसला नहीं है ये, अगर राउंडिंग अप्रोच ही होनी चाहिए, किस चीज की डेडलाइन की बात हो रही है जनम, हाँ जनम किस चीज की डेडलाइन की बात कर रहे हो आप, तो टोटल टाइम कितना हो गया, ठीक है ओ कोई मसला नहीं, 22,798 22,798 सही है यार, कोई मसला नहीं, अप्रोच ही होनी चाहिए, कितने लोग इसी के आसपास आंसर आ रहा है, इसी की रेंज में आंसर आ रहा है, इसी के इर्द गिर्द आंसर आ रहा है, 23,000 चल जाएगा आपका, आ रहा है आराफ, उमेर, अरमीन, सही है अरमीन, राव कबीर, बासित अली, मुबशिर अतीक, पीशो, जुनेद सही है, इरफान सही है, सलमान, सुहेल, जैनब, वेरी गुड, हुज़ैफ़ा, माशाल्लाह, मुबशिर अतीक, माशाल्लाह, सेट है, कोई मसला नहीं, 13 का कोई मसला नहीं है भाई, 6 लग लिया था, कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह, अली रज़ा, वेरी गुड, माम कमाल, वेरी गुड, अमार, वेरी गुड, ऋशान अख्तर, वेरी गुड, ठीक है अप्रोच सेम होनी चाहिए, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कोई मसला नहीं, 5.5 चल जाएगा,
राउंड ऑफ 22,668 फातिमा एसन है वेरी नाइट ठीक है आर्य सिमरन 24,000 आ रहा है तुमने 6,000 में काम कर लिया मुझे लग रहा है चंदा इतना आगे चले गए तुम खैर ठीक हो गया यार बासित अली बिल्कुल सही है राउंड ऑफ का बता दूं यार तीन दो डेसिमल प्लेस ले लो मैंने बहुत ज्यादा लिया राउंड ऑफ इसको दो डेसिमल प्लेस कर लो इसको सिक्स कर सकते हो तुम लोग मेरे हिसाब से इसको तुम लोग सिक्स कर सकते हो राउंड ऑफ करना चाहो तो करना चाहो तो दो डेसिमल प्लेस इनफ होता है वैसे वैसे ठीक है अच्छा ये गेम समझ आ गई भाई संभाल लोगे पेपर में संभाल लोगे इसको तो मसला तो नहीं है कोई टेंशन तो नहीं है हाँ फाइनली बस एक चीज सुन लो इसमें एक बड़ा प्यारा एडजस्टमेंट है बहुत प्यारा एडजस्टमेंट है एक जो सवाल को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जाता है ठीक है इसका स्नैप लेना चाहते हो तो स्नैप ले लो वैसे भी आसान ही है मेरे हिसाब से तो इसमें कोई मसला नहीं है ये तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट थी ठीक है ना संभाल लोगे ना भजन पेपर में ऐसी एडजस्टमेंट लास्ट टाइम पेपर में आई है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा आगे क्या कह रहे हैं हमसे आगे कह रहे हैं बस खत्म हो रहा है सवाल वेरिएबल ओवरहेड वुड बी 240% ऑफ लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर अच्छा लेबर की आर्ट्स कितने हैं लेबर के आर्ट्स आ गए कितने मेरे हिसाब से आए 22,798 सही है इसको आप लेबर रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी लेबर कॉस्ट आ जाएगी और जो भी लेबर कॉस्ट आएगी लेबर रेट कितना 250 था मेरे ख्याल से जो भी लेबर कॉस्ट आएगी उसका कितना परसेंट उसको 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएंगे सही है ना वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है वो कितना 240% है तो वेरिएबल एफओएच भी आ जाएगा निमड़ गई बात है कोई मसला तो नहीं है आसान है सही है कोई मसला नहीं बिल्कुल हो सकेगी ऐसा कोई मसला नहीं है अमार बिल्कुल हो सकेगी अच्छा बस अब खत्म करना है यार सवाल को मुझे यार बस एक इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल में खत्म करना है यार फिक्स ओवरहेड आर टू बी अप्लाइड एट 400 पर आर क्या कहते हो रेलिवेंट है जल्दी बता दो पॉइंट नंबर 4 इसकी वर्डिंग को पढ़ के फैसला कर लें कि पक्का हमारे लिए रेलिवेंट होगा बिल्कुल भी नहीं क्यों वर्ड क्या आ रहा है अप्लाइड मींस के अभी बताता हूँ रेहान उसका मैं अप्लाइड मींस के चंदा क्या कहते हो अप्लाइड मींस अपोर्शन एलोकेटेड जनरल सही है ना नहीं आर टू बी से मतलब नहीं है अप्लाइड है ना अप्लाइड का मतलब क्या फिक्स कॉस्ट मुझे बताओ टोटलिटी में इनकर होती है पर आर इनकर होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग पर आर तो होती नहीं है तो हम अपनी आसानी के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में काम करते थे याद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम पर आर बनाते थे जबरदस्ती करने के लिए कि चलो यार ठीक है मगर वैसे तो टोटल में इनकर होती है इसलिए मैं कहूंगा अप्लाइड का वर्ड ये हमें हिंट दे रहा है कि नहीं यार ये फिक्स कॉस्ट तो किसी काम की नहीं है इसको इररिलेवेंट कर दीजिए एंड लास्ट ठीक है जी हाँ ऐसे सारे ओवरहेड होंगे अपोर्शन का सिनोनिम है यस अपोर्शन और जनरल का सिनोनिम है अपोर्शन और एक एलोकेटेड का वर्ड भी होता है एलोकेटेड अपोर्शन अप्लाइड एक ही बात है उसमें सुना अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड अंडर अब्सॉर्ब ओवर अब्सॉर्ब को कहते हैं अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड कहते हैं अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड ओवरहेड के टॉपिक में कहीं बात आई थी मेरे ख्याल से अच्छा आगे चलना अब अगली बात सुनना प्लीज मैं बात करता हूँ बस अरे दो पॉइंट रह गए सवाल में सवाल भी खत्म है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द प्लांट फॉर एंटायर ऑर्डर एंड रीसेटिंग इट टू द नॉर्मल प्रोडक्शन वुड बी 4 मिलियन ये रेलिवेंट है जल्दी बता दो ये 4 मिलियन के बारे में क्या कह रहे हो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो उमर फारूक हाँ इस 4 मिलियन के बारे में जल्दी बता दो यार पक्का यार बगैर किसी डाउट के मेरे ख्याल सस्पेंस ब्रेक करो यार रेलिवेंट है ठीक है आगे बढ़े अच्छा अब यार आखिर का पैराग्राफ पढ़ लो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं सवाल में 12 मार्क का सवाल है मगर है बड़ा तगड़ा सवाल इन ऑर्डर इफ द ऑर्डर फॉर एनटीआर देखो मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग अगर अब इसमें लर्निंग का खत्म हो गया लर्निंग का इतना सही था जो मैंने आपको सिखा दिया सही है ना सीखा क्या बल्कि मैंने क्या सिखाया ये तो पहले ही सीखा हुआ है आपने मुझसे माशाल्लाह तो आज की क्लास में तो आपने खुद ही अप्लाई किया माशाल्लाह सबके आंसर तकरीबन मोरलेस राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस को अगर हम साइड में गए तो तकरीबन अप्रोच वाइज सेम थे अच्छा लास्ट पैराग्राफ जरा देखना रेलिवेंट कॉस्टिंग की बातें हो रही है फिर जरा आगे दूसरी बात करते हैं इफ द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर इज नॉट एक्सेप्टेड जरा और करिएगा इफ द ऑर्डर फ्रॉम एनटीआर इज नॉट एक्सेप्टेड रॉ मटेरियल ऑफ 60 मिलियन ऑलरेडी प्रोक्योर्ड वुड हैव टू बी सोल्ड एट 70% ऑफ द कॉस्ट याद है 60 मिलियन का हमने खरीद लिया था 6 करोड़ का माल खरीद के रख लिया था रेलिवेंट है 6 करोड़ में 6 करोड़ तो हमने ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया है तो इररिलेवेंट सही है ना संक कॉस्ट पास कॉस्ट सही है ना मगर आगे गेम में कहानी में ट्विस्ट है जब कोई मटेरियल सरप्लस होता है रिडंडेंट होता है एक्स्ट्रा होता है
तो क्या होता है, इट वुड हैव टू बी सोल्ड एट 70% ऑफ देयर कॉस्ट. हमारा ऐसा नहीं करना, 70% ऑफ देयर कॉस्ट, इसका मतलब इसको बेच के पैसे मिल सकते हैं, इसको बेच के पैसे मिल सकते हैं. याद है एनआरवी रेलिवेंट होती थी, याद है स्क्रैप वैल्यू रेलिवेंट होती थी, जो मटेरियल रेगुलर यूज का नहीं होता था, जो फालतू होता था, जो एक्स्ट्रा होता था, जो बेकार होता था, जो नो रेगुलर यूज का मटेरियल होता था. तो इसका स्क्रैप कितना है, 70%. मगर कहानी में ट्विस्ट है, जरा गौर करना. However, material worth 10 million can be utilized in car radiators after slight alteration at a cost of 1 million. The altered raw material can produce 30% components of 10,000 car radiators. क्या मतलब हुआ? देखो याद आ रहा है alternate use वाला एक concept होता है कि material या तो बिक जाता है या कहीं और organization में इस्तेमाल हो जाता है. याद है एक concept हमने पढ़ा था, दो तीन बार बात भी हुई कि या तो material को बेच दो तो 70% पैसे मिल जाएंगे, या मटेरियल को बेचो नहीं, रखो अपने पास रखो और ऑर्गेनाइजेशन में कहीं और इस्तेमाल कर लो, तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पैसे बच जाएंगे. याद है अल्टरनेटिव यूज, सब्स्टिट्यूट वाला केस नहीं. डायवर्जन अलग होता है, डायवर्जन तो होता है कि आपने एक प्रोडक्ट की कुर्बानी दी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो एक अलग केस है. डायवर्जन एक अलग केस है कि डायवर्जन में तो आप कुर्बानी देते हो, यहाँ पे क्या है, फालतू मटेरियल के दो रास्ते. हाँ अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, प्लीज जरा गौर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दो पॉइंट रहेगा इसमें, फिर ये सवाल एंड है. ओरली डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन आप बना लेना. सोल्यूशन अभी तक मेरे नहीं ख्याल कोई बहुत टेक्निकल बात आई है. ये दो बातें इंपॉर्टेंट है जो आप मैं करने जा रहा हूं. मटेरियल अवेलेबल कितना है, इसमें से कितना मटेरियल सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, कैन बी यूज इन कार रेडिएटर्स. वैसे ही ट्रक का मटेरियल है ना, वैसे ही ट्रक का मटेरियल है. कार रेडिएटर में कितना मटेरियल इस्तेमाल होने लाइक है, 10 मिलियन इस्तेमाल होने लाइक है. ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कि 10 मिलियन वाला मटेरियल चाहो तो आप कार रेडिएटर में लगा दो. यहां तक गेम समझ आ रही है कि मैंने ट्रक बनाने के लिए 60 मिलियन का माल लेके रख लिया, पता चला बाद में कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया. अब कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सही है, अब वो 60 मिलियन का माल फालतू है. तो अब उसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट है. पहला हिस्सा क्या है कि आप इसको चाहो तो कार रेडिएटर के तौर पे इस्तेमाल कर लो, कार रेडिएटर में इस्तेमाल कर लो, 10 मिलियन वाला मटेरियल कार रेडिएटर में लग जाएगा. मगर बाकी मटेरियल क्या होगा, कैन बी सोल्ड एट 70% ऑफ कॉस्ट. यही लिखा हुआ है, कौन सा मटेरियल है, 50 मिलियन. इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, पहले आसान काम कर लें, जिसका और कोई यूज नहीं है, जिसका कोई ऑल्टरनेट यूज नहीं है, इसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होने की है, इसको सही है. हाँ भाई ऐसा है, ठीक है ना, यही सीखा हमने कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे अच्छा, अब जरा गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा. दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, बस फिर मैं ये पॉइंट नहीं पूरा डिस्पोज कर सकते हैं, मगर बिल्कुल कर सकते हैं अली दादा. मगर पॉइंट ये है कि 60 में से 10 का तो दूसरा काम निकल आया ना, 10 का तो दूसरा काम निकल आया. क्या ख्याल है, 10 का तो दूसरा काम निकल आया. अच्छा एक बात, छोटी सी बात, ये इंपॉर्टेंट है यार. अब आप इस मटेरियल को अगर कहीं और इस्तेमाल करते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, बस मुझे ये बता दो. हाँ अगर इस मटेरियल को कहीं इस्तेमाल करते हो तो कितना बेनिफिट मिलेगा, मुझे बता दो, बता सकते हो. अगर मैं इस मटेरियल को 10 मिलियन वाले मटेरियल को कार एडिटर के तौर पर इस्तेमाल करूँ तो कितने रुपए का फायदा होगा, ट्राई करते हैं. क्या कह रहे हैं, द ऑल्टर्ड मटेरियल कैन प्रोड्यूस 30% कंपोनेंट्स ऑफ 10,000 कार एडिटर्स. कितने एडिटर के तौर पर बन सकता है, कैन बी यूज इन कार एडिटर्स. How much? 10,000 का 0.3 लगाओ कितना आता है, 3,000 कार रेडिएटर को बराबर है, ये 3,000 कार रेडिएटर को, ये 3,000 कार रेडिएटर को क्या कहते हैं, सप्लाई कर सकता है. ये 3,000 कार रेडिएटर के बराबर है, नहीं समझे बात को. दिखने को ये 10 मिलियन का है,
मगर ये कितने परसेंट कितने कार एडिटेड अभी इसने लंबी करने की कोशिश की है? 30% 10,000 यार, सीधा सीधा बोलो ना 3,000 यार। आप ऐसा लंबा घुमा रहे हो, हमें कंफ्यूज कर रहे हो पेपर में यार, वैसे पेपर में मुश्किलात हो रही होती है। तो 3,000 कार एडिटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, हाँ बताता हूँ, सलमान फेल अभी गेम खत्म नहीं हुई है, तो इसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट सेव कितने की हो सकती है, मटेरियल कॉस्ट की सेविंग कितने की आ सकती है, सेविंग तुम्हें पता है, एक 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 रेडिएटर कितने का है, एक रेडिएटर कितने का है, ऊपर लिखा हुआ था, एक रेडिएटर कितने रुपए का है, 3,000 रुपए कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, तो जरा मल्टीप्लाई करो कितने की सेविंग आ गई, 9 मिलियन की आ गई, 9 मिलियन की आ गई, करेंगे सलमान सोहेल बिल्कुल करेंगे, वेरी गुड, 9 मिलियन की आ गई। अब मुझे एक बार बताएं, एक काम और करना पड़ेगा इस सेविंग को पाने के लिए, इस सेविंग को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है, इस सेविंग को पाने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगेगी, कितने की, तो नेट सेविंग कितनी है, क्या ये पॉइंट समझ आया, मटेरियल खर्चा भी तो है चंदा, देखो बात सुनो, आसान है यार, आसान है, 6 करोड़ तो डूब गए ना यार, 6 करोड़ तो डूब गए, छोड़ दो, 6 करोड़ तो डूब गया, सही है, समझा रहा हूँ सेविंग, 6 करोड़ तो डूब गया, अब 6 में से 1 करोड़ का मटेरियल जो कि 10 मिलियन का बनता है, उसको आप गाड़ी के रेडिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, गाड़ी के रेडिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, पहली बात, सही है, और जो बाकी मटेरियल है वो मार्केट में बिक सकता है, कितने का, मार्केट बाकी मटेरियल 70% का बिक सकता है, 70% प्राइस का बिक जाएगा, रीसेल हो जाएगा कम पे, 70% पे, सही है, मैं बता रहा हूँ, मैं वापस बता रहा हूँ, ये पॉइंट पहले क्लियर कर लो कि 60 को मैंने 200 में कैसे बांटा, कि 10 का उसने अलग कहानी बताई और 50 की उसने अलग कहानी बताई, 50 बैलेंसिंग हो गया, 50 क्योंकि 10 इधर चला गया तो अब क्या बचा, 50 बचा, फिर 50 इधर आएगा, सही है। अच्छा अब अभी बात करता हूँ मैं, इस पर लास्ट पॉइंट यही डिस्कस करना है यार, थोड़ा लंबा हो रहा है सवाल, मगर क्या करें, पॉइंट डिस्कस करने, इसके बगैर आपको छोड़ नहीं सकते सवाल से यार, जान नहीं छोड़ा सकते अपनी। अच्छा एक तो स्क्रैप वैल्यू क्यों रिलेवेंट, स्क्रैप वैल्यू कितनी भाई, 70%, 50 का 70% कितना बनता है भाई, 35 मिलियन बनता है भाई, 35 मिलियन बनता है। एक तरफ तो ये हो गया कि ये जो हमारे पास 50 मिलियन वाला मटेरियल है ये मार्केट में 70% के तरह सेल हो सकता है, तो इसकी एनआरवी निकाली, स्क्रैप वैल्यू निकाली 35 मिलियन, 35,000 के भी कह सकते हो, मैंने मिलियन में बातें कर रहा हूँ। अच्छा अब जरा उल्टे हाथ पे आ जाओ, ये जो कार रेडिएटर 10 मिलियन के, मुझे खुद बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये रेडिएटर ट्रक के थे गाड़ी के थे, ये तो ऐसा लग रहा है ट्रक के लिए थे ना, तो ये परचेज हुए थे ऑलरेडी किसके लिए, ट्रक के लिए हुए थे, मगर आप वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करें ना, टेलरिंग करें, तो ये गाड़ी में भी लग जाएंगे, गाड़ी में भी लग जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी न्यूज हो गई, ये तो अच्छी न्यूज हो गई कि अगर कोई चीज़ गाड़ी में लग सकती है तो फिर मेरी तो सेविंग हो जाएगी, बचत हो जाएगी, गाड़ी का काम तो मेरा नॉर्मल है, मैं तो बिजनेस ही गाड़ी हुआ करता हूँ, मैं तो काम ही गाड़ी हुआ करता हूँ, बात समझ रही हूँ मैं, ठीक है, बात समझ आ रही बात से, कि अगर मैं काम ही गाड़ी हुआ करता हूँ और मुझे 60 मिलियन में से कोई मटेरियल ऐसा नजर आ रहा है जो मैं गाड़ी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज है यार, क्यों, क्योंकि मैं चाहूँ तो 10 मिलियन को गाड़ी में लगा दूँ, तो जब मैं गाड़ी में लगाऊंगा तो गाड़ी के रेडिएटर को खरीदने का जो खर्चा है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, अब बात समझ रहे, वो सेविंग हो जाएगी ना यार भाई, जब घर में एक चीज पड़ी हुई है और मुझे गाड़ी का रेडिएटर बनाना है, तो घर में अगर एक चीज पड़ी हुई है तो मैं घर में जो चीज पड़ी है उसको इस्तेमाल कर लूँ, नहीं समझे बात, तो मुझे कितने पैसे बच जाएंगे, मुझे एक रेडिएटर आता है 3,000 रुपए का, एक रेडिएटर आता है 3,000 रुपए का, कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, एक रेडिएटर की मटेरियल कॉस्ट है 3,000 रुपए, अगर एक रेडिएटर 3,000 रुपए का आता है, अगर एक रेडिएटर 3,000 रुपए का आता है, सही है, तो 3,000 रेडिएटर कितने के हो गए, 3,000 रेडिएटर कितने के हो गए, नहीं तो 9 मिलियन का खर्चा हो जाता अगर ये मटेरियल स्टॉक में नहीं होता, चूंकि ये स्टॉक में मौजूद है तो मेरे 9 मिलियन बच जाएंगे, मगर एक अलग मसला ये है कि 9 मिलियन लेने के चक्कर में, 9 मिलियन की सेविंग अर्न करने के चक्कर में 1 मिलियन का खर्चा करना नहीं भूलना, क्योंकि ट्रक के रेडिएटर है, इसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसमें मॉडिफिकेशन टेलरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके तुम इस काबिल होगे कि इसको इस्तेमाल कर सको, तो नेट जो सेविंग हुई इस हिस्से से, इस वाले पार्ट से, स्टॉक के दो पार्ट से, दो हिस्से हैं, दो टुकड़े हैं, पहला हिस्सा छोटा वाला है जिससे कितनी सेविंग हो रही है 8 मिलियन, दूसरा हिस्सा दूसरा बड़ा वाला है जो मार्केट में ऐसे ही बस 70% ले जाके बिक सकते हो, तो दोनों की वैल्यू आपके सामने आ गई, कुछ बात समझ आ रही है भाई, क्लियर हुई अब बात,
पेपर में ये स्केच बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, वर्किंग के तौर पे बना लो, एग्जामिनर छुपाने की जरूरत नहीं। उमेर क्लियर हुआ कुछ बात कि जब तुम ये ट्रक वाला रेडिएटर गाड़ी में लगा दोगे तो गाड़ी का रेडिएटर अलग से ना खरीदना, तुम्हारे कितने पैसे बच जाएंगे, 9 मिलियन। सेट हो गया, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा अब लास्ट पॉइंट सुन लो, बड़ा चटपटा पॉइंट है, आखिरी बड़ा चटपटा पॉइंट है, रेलिवेंट कॉस्टिंग को समझो, इसने बड़ा बेहतरीन पूछा यार, चटपटा पॉइंट है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2017 में आया, बड़ा चटपटा पॉइंट है आखिरी, इसको चाहो तो स्नैप ले लो, नोट कर लो, रजिस्टर तगड़ा बनाना है, बहुत प्यारा पॉइंट है, बहुत तगड़ा पॉइंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करना, बहुत प्यारा पॉइंट है। नहीं हायर नहीं, दोनों अलग अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रियान ऐसा ही है, रियान ऐसा ही है, होगा प्लस प्लस है, अलीजा दोनों का प्लस है, 8 अलग है और 35 अलग है, 8 और 35 दोनों आएगा भाई, 8 और 35 दोनों आएगा, दोनों। अच्छा एक बात, इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट यार, बड़ा चटपटा पॉइंट है ये बस मैं क्या बोलूं, छुपा हुआ पॉइंट है ये, मेरे ख्याल से लोग पहुंच नहीं पाएंगे इस पॉइंट पे पेपर सिनेरियो में, अब मेरे ख्याल से पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं इस पे, मैं क्या कह रहा था आपसे यार, इस पे बड़ा चटपटा पॉइंट वो ये है कि ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये वो पॉइंट है जो अच्छे और बहुत अच्छे कैंडिडेट में फर्क कर देगा, जो आम एवरेज कैंडिडेट और बहुत अच्छे कैंडिडेट में फर्क कर देगा, बहुत प्यारा पॉइंट है, क्या डीए लिमिटेड मैन्युफैक्चर रेडिएटर फॉर कार मैन्युफैक्चर इन नॉर्मल ऑपरेशन, इन नॉर्मल ऑपरेशन About 2 lakh units are sold per annum at an average price of 15,000 per unit. Manufacturing process is carried out by 500 highly skilled labor. सही है, आगे बढ़ेंगे. Who work an average of 180 hours per month. ये जो current process है अभी आज जो manufacturing होती है कितने लोग करते हैं, 500 बंदों की team करती है, सही है, जो कि 180 घंटा एक महीने काम करती है, उनको हम 250 देते हैं. अब कहने का मतलब है कि अब नीचे आ जाओ, नीचे इसने बड़ी प्यारी बात लिखी थी. DL has received an offer from TRU. DL has received an offer from TRU to manufacture 4,000 units of radiator of trucks at 50,000 per unit. DL is expected to earn significantly higher margin on this order and it planned to stop normal production for this purpose. ये लाइन बड़ी खतरनाक है. इसके मतलब बता दो, बस इम्प्लीकेशन बता दो, ये सवाल एंड कर दूंगा. इसका इम्प्लीकेशन बता दो. इस हाइलाइटेड वर्जन से आपके जहन में क्या आ जाता है? हरमीन ने सही कहा है, पीशो ने सही कहा है, अली रजा, उमेर अहमद, अमार, राव कबीर, अमर, सिराज ने जो अली रजा, ठीक है, आराफ, आराफ इसको थोड़ा डिफाइन करो, जुनेद अली, कि हमें तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हुए यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्शन को स्टॉप करना होगा. वी नीड टू रिड्यूस नॉर्मल प्रोडक्शन. जब आप नॉर्मल प्रोडक्शन को स्टॉप करते हो तो आपके जहन में फौरन कौन आता है? प्रॉफिट लॉस नहीं, क्या सेल लॉस नहीं, नहीं 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 क्या आता है? CM foregone आ जाता है, CM foregone. अच्छा मजे की बात बताऊं, डायवर्जन भी लगा सकते हो, डायवर्जन भी कह सकते हो, मगर डायवर्जन में भी क्या होता है? डायवर्जन में दो चीजें होती हैं, CM होता है और एड होती है कॉस्ट. तो तुम कॉस्ट पे तो पहुंच गए हो, CM पे मैं असल हुआ. अच्छा CM किसका foregone होगा? CM foregone ऑफ वॉट? किसी ने मुझे सवाल भी किया था कि पहले जो काम किया उसका क्या हुआ. CM foregone किसका? ट्रक रेडिएटर का होगा या कार रेडिएटर का होगा? किसका CM foregone होगा? किसका सीएम फॉरगॉन होगा? गाड़ी का होगा या ट्रक का होगा? जाहिर सी बात है यार, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन कौन सा है यार? गाड़ियों का रेडिएटर है. कुछ बात समझ आई लड़के? तो अब बहुत आसान हो गई बात, बहुत आसान हो गई बात, क्योंकि मैं पहले से सारा काम तुमसे करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें यार, सारा काम हम पहले ही कर चुके, कोई दिक्कत नहीं होगी. क्या हम सीएम निकाल सकते हैं कार एडिटर का? कार एडिटर का क्या हम सीएम निकाल सकते हैं पर यूनिट? बस मुझे ये बता दो, क्या हम कार एडिटर का सीएम पर यूनिट निकाल सकते हैं? चंदा चेक करो, हमारे पास सेलिंग प्राइस है कार एडिटर की, हमारे पास सेलिंग प्राइस है कार एडिटर की 15,000, ये 15,000
देख रहे हो सवाल में, अपनी किताब में भी देख लो सेकंड लाइन में लिखी है, एग्री करते हो? और मटेरियल कॉस्ट पता है रेडिएटर की, नॉर्मल पुराना गाड़ी 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 की बात हो रही है, गाड़ी का रेडिएटर, कार रेडिएटर, मटेरियल कॉस्ट कितनी? 3000। कहाँ लिखी है 3000? ये लिखी हुई सही है ना, 3000। और बताओ वेरिएबल लेबर बता सकते हो? लेबर लेबर कितना है? लेबर ये रहा, लेबर ये मैंने देखो तुम्हारे लिए पर यूनिट भी निकाल लिया, लेबर 270 मिलियन आया था हमारा, उसको यूनिट से डिवाइड करो पर यूनिट आ गया 1350। ये देखो ये 1350 ये रहा, मिला 1350, 2 लाख यूनिट से डिवाइड कर दिया ना। और वेरिएबल ओवरहेड भी देख लो, ये भी पर यूनिट निकाल लिया अपने 2025। लो जी सीएम पर यूनिट तैयार। कितना आ रहा है चेक करना आप प्लीज। आठ हजार 625 चेक करें ही आ रहा है। ओए होए क्या बात है, बगैर कंप्यूटर के कर लिया मैंने, ठीक है 8625। एक बस लास्ट एडजस्टमेंट रह गया, कहानी में ट्विस्ट समझ आया भाई कि नॉर्मल प्रोडक्शन निकाल स्टॉप करनी पड़ेगी किसकी? जाहिर सी बात है गाड़ियों की, गाड़ियों की, तो गाड़ी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना लाजमी है ना चंदा। एक लास्ट बात, एक लास्ट बात बस ये बता दो, गेम खत्म, बाकी सवाल खत्म, बस ये बता दो, कोई बता सकता है किसी की बंदे के अंदर कैलकुलेशन करने का कोई एलिमेंट है कि भाई मुझे बता दो फाइनली कितने गाड़ी के रेडिएटर फॉरगॉन होंगे? बस मुझे बता दो कितना गाड़ी का रेडिएटर कौन फॉरगॉन होगा, रेडिएटर कितना? ये तो पर यूनिट है ना, ये तो पर कार रेडिएटर है, कितने रेडिएटर फॉरगॉन होंगे निकाल सकता है कोई बंदा? नंबर ऑफ कार रेडिएटर फॉरगॉन ये कैसे निकलेगा? ये किसी ने बता दिया, गेम खत्म। ये तो पर यूनिट है ना चंदा, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, कितने रेडिएटर फॉरगॉन हो रहे हैं, क्या कहते हो? नहीं 2 लाख तो टोटल है ना, कितने फॉरगॉन हो रहे हैं? हरमीन ने ट्राई किया कुछ, वेरी गुड हरमीन, नाइस ट्राई। उमर फारूक ने निकाला 4000, कैसे निकाला? नहीं नहीं उमर फारूक 4000 नहीं होगा यार, दोनों का वो नेचर अलग अलग है चंदा। अच्छा इसके लिए आसान करते हैं, आसान करते हैं, आसान करते हैं, आसान करते हैं। अच्छा ये बात समझ आ गई कि कार रेडिएटर का हमने सीएम निकाल लिया, कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना, क्या कहते हो? हाँ यहाँ तक गेम समझ आ गई ना। चलो एक बार बता दूं सीएम भाई सेलिंग प्राइस, ये रही बासित होश में रहो बेटा, 15000 रुपये का सेलिंग प्राइस है ये रहा। मटेरियल कॉस्ट 3000 रुपये की है, लेबर कॉस्ट अभी निकाली, ये देखो ये निकली हुई लेबर कॉस्ट 1350, ये 1350, ये अभी 270 मिलियन निकालता ना थोड़ी देर पहले यार, उसको 2 लाख यूनिट से डिवाइड कर दिया। और वेरिएबल ओवरहेड हमारा कितना है? वेरिएबल ओवरहेड अभी देखो ये कैलकुलेशन की थी 405 मिलियन की, 20000 ने डिवाइड किया, ये देखो 2025 आ गया, 3000 1350 वेरिएबल ओवरहेड ये 2025 सेम आ गया, क्या मुश्किल है। अच्छा कितने रेडिएटर फॉरगॉन होंगे? 196,000 फॉरगॉन होंगे, कैसी बातें करो तुम लोग यार, कैसी बातें करो, 2 लाख तो रेडिएटर गाड़ी साल में मना रहे हैं, सारे के सारे फॉरगॉन कर देगा यार, इतने से ऑर्डर के चक्कर में, इतने से ऑर्डर के चक्कर में, 4000 यूनिट्स के ऑर्डर के चक्कर में 2 लाख पूरा फॉरगॉन कर देगा? नहीं यार, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अच्छा भाई एक काम करते हैं, आसान करते, आसान करते, आसान आसान करते हैं। लेबर का घंटा कितना है अभी? करंट आवर्स कितने लेबर्स के निकाल सकते हैं हम? लेबर्स के करंट आवर्स कितने? करंट आवर्स, आवर्स घंटे, कितना कैसे? 500 एम्प्लॉइज हैं, 180 घंटा काम करते हैं और 12 महीने काम करते हैं, रेट में नहीं मल्टीप्लाई हो, कितना आ रही है? 1080। हाँ वन जीरो एट जीरो सही है। अरे जो 1080 आठ दें, कितने यूनिट्स के हैं? करंट प्रोडक्शन कितनी है? बस छोटी सी बात है यार, आसान है, मैथ लगेगी थोड़ी सी यार, थोड़ी सी मैथ लगेगी। तो यार एक काम करो ना, एक काम करो, नंबर ऑफ आवर्स निकालो, नंबर ऑफ आवर्स पर कार एडिटर,
निकाल सकते हैं, आसान है। कितने घंटे लगते हैं एक एक रेडिएटर बनाने में? एक रेडिएटर बनाने में कितने घंटे लगते हैं? 5.4 लगते हैं, ठीक है। बस ये आसान हो गया। अब आपको कितने आर्ट चाहिए? आर्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर कितना है? आर्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर कितना है? आप सबका अलग है, मेरा अलग है, 19-20 का फर्क है ना। आर्ट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर कितना है मेरे हिसाब से? मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, अब अपने हिसाब से कर लो। कितना आए थे यार? 22,798 आया था मेरा, ठीक है ना। मेरा ये देखो ये आएगा 22,798, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बस ये बता दो आखिरी काम। तुम्हें पता है स्क्रीन पे सब मौजूद है, क्या करूंगा अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ कार रेडिएटेड फॉरगॉन, तो मैं क्या करूंगा? कितने घंटे की जरूरत है? 22,798 घंटों की जरूरत है। ये घंटे कहाँ से आएंगे? कौन देगा? ये कौन कुर्बानी देगा? ये कार रेडिएटेड फॉरगॉन होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो कितने रेडिएटेड? कुछ बात समझ आई? और सीएम पर कार रेडिएटेड कितना है? सीएम पर कार रेडिएटेड कितना अभी निकाला हमने? एक एक का सीएम कितना है? 8625। प्लीज फॉलो करते जाओ यार, प्लीज। टोटल सीएम फॉरगॉन कितना हो गया? मल्टीप्लाई करते दोनों को, 3614 3641475। थैंक यू यार। कितने लोगों ने ये निकाला था? 4422 के आसपास या इस अप्रोच से कितने लोगों का आंसर आया था? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कोई नाइंसाफी की एग्जामिनर ने हमारे साथ मार्क्स कम रखे, काम बहुत करा। कितने लोगों ने ये सोच लिया था और 4322 या इसके आसपास आया था, मतलब ये आर्ट्स को 5.4 से डिवाइड किया था, कितने लोगों ने? मोहम्मद अफजाल कह रहे हैं उन्होंने किया था ये, और रियान माशाल्लाह वेरी गुड, इरफान अली वेरी गुड, सही है। हरमीन आपके आर्ट डिफरेंट होंगे ना शायद, मगर आपने 5.4 से किया तो बेस्ट हो गया यार, ठीक है बेस्ट हो गया। उमेर जबरदस्त माशाल्लाह वेरी गुड, उमेर बहुत अच्छे। जुनेद अली वेरी गुड यार, कैसा मजा आया सवाल? भारी था, क्या करें यार, हल्का काम तो करना ही नहीं है, पेपर में भारी आ रहा है ना, पेपर का ही सवाल है भाई, क्या कर सकते, क्या कर सकते। खतरनाक था, मैं खतरनाक चीज आज दोनों खतरनाक सवाल करा मैंने, आज की क्लास हुई खतरनाक सवालों पे, मार्क्स के हिसाब से खतरनाक था। मार्क्स के हिसाब से यार सही कह रहे हो बासित, ना इंसाफी हो गई थोड़ी यार, मार्क्स कम थे यार, काम बहुत था, काम बहुत था, मेरे हिसाब से काम बहुत है यार इसमें। 12 मार्क कम है यार इसमें, 18-20 मार्क का होना चाहिए, 18 का तो कहीं नहीं जाता। चलो खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइंदा उधर एग्जामिनर हमारी बात सुनना हो शायद रिकॉर्डेड लेक्चर में या लाइव में, तो सकता है उसको बात पहुंच जाए भाई। एग्जामिनर अंकल थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा आप सर, ठीक है जी। सबसे ट्रिकी लास्ट पार्ट था, ऑब्वियसली लास्ट, उससे पहले तो सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं था। वैसे मैं एक बार बताऊँ, पर्सनल ईयर में समझता हूँ, तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बस दो ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एक ये मटेरियल का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मतलब इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि थोड़ा ट्रिकी था, और एक ये लेबर वाला पॉइंट ट्रिकी था। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा बाकी सवाल में कुछ मसला था, मेरे ख्याल से सवाल अटेनेबल था। मतलब ये लेबर का काम तो मुफ्त के फुल टॉस था यार, तुम लोग माशाल्लाह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके बैठे हो, लेबर में मार्क नहीं कटता तुम्हारा इंशाल्लाह, सही है। फिर आज ओवरहेड्स में तो ये तोड़ना भी मसला नहीं था तुम्हारे लिए, तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट इतना मसला नहीं था। हाँ ये जो आखिर के दो पार्ट थे ना, वहाँ थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहूँगा 18 मार्क भी चलो 15 भी देता तो मसला नहीं था, 12 थोड़ा कम हो गया, मगर ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बाकी सवाल में समझा फ्लैट था। कैफ का है बाबा, कैफ का है, ऑटम 17, ऑटम तुम्हारी अटेम्प्ट। सिलेबस में बाबा, सब सिलेबस में, बिल्कुल, ठीक है जी। अमार चंदा, ठीक है। अच्छा भाई अब जरा यार कॉपी कर ले, वर्किंग कॉपी कर लो भाई, वर्किंग कौन सी वाली कॉपी करना चाहते हो? मटेरियल की करना चाहते हो? ये लो भाई, जल्दी कॉपी कर लो, वो तो सीएम आसान है, निकाल ही लोगे। एरी वर्किंग है, एरी नंबर वाली एरी, हमारी एरी वर्किंग, जल्दी कर लो नोट यार। यार मुझे टेस्ट कराना है सीबी का तुम लोगों को, यार क्या करो तुम लोग चंदा, कब करेंगे हम टेस्ट डिस्कस?
एसीसीए में ऐसे नहीं होते, ये आईकैप के ही फ्लेवर है। सिलेबस कब तक चलेगा जी? जब तक हमारी खत्म नहीं होता कोर्स तब तक सिलेबस चलता रहेगा, क्लासेस जब तक चलेंगी तब तक सिलेबस चलेगा। यार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने जिंदगी दी और आगे जाके हालात अच्छे रहे, तो मेरी कोशिश है कि यार हम पेपर से एक महीने पहले खत्म करते, मगर क्लास खत्म होगी, रास्ता खत्म नहीं होगा। भैया ना रास्ता खत्म नहीं होगा क्या मतलब है कि हम रिवीजन करते रहेंगे यार, हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं तो 2-3 दिन आया करेंगे फिर, मगर रास्ता नहीं छोड़ेंगे यार, ताकि ये कि यार आप लोगों का भी एक टेम्पो बना रहे और मुझे भी तसल्ली रहे। इंशाल्लाह रास्ता तो जिंदगी भर रहेगा, बिल्कुल सही बात है, इंशाल्लाह बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जॉब वाली वर्किंग दिखाए थे जी, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल रीडिंग में मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा था, ये फिजिकल ले रहा था, ये पहली बार ऑनलाइन में ले रहा हूँ, वक्त ने हमें ऑनलाइन पे मजबूर कर दिया। हालांकि मैं ऑनलाइन के फेवर में नहीं होता था, बहुत लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में मुझे कहा कि जी ऑनलाइन पे आ जाए, मैंने कहा नहीं आएंगे ऑनलाइन पे, मगर अब हालात ने हमें मजबूर किया और हम आ गए ऑनलाइन पे। बजटिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग से बड़ा चैप्टर है यार, बजटिंग में मैं एफर्ट ज्यादा करूंगा, ज्यादा जान मारूंगा, क्योंकि बजटिंग जो है ना वो पेपर में आने का है हर पेपर में, और उसका अप एंड डाउन सवाल होता रहता है। बीएफडी ऑनलाइन दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल बीएफडी ऑनलाइन हो रहा है ये, ठीक है जी, मगर ये भी कोविड के बाद से हुआ है। बीएफडी का तो आधा हो गया था फिजिकल में, फिर आधा ऑनलाइन में हमने कम्प्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, स्नैपशॉट लेना चाहते हो? स्नैपशॉट आ नहीं रहा यार, 31 जुलाई तक करके क्या करोगे? 31 जुलाई तक सिलेबस करके क्या करोगे? 21 सितंबर करो पेपर है यार, नहीं 31 जुलाई तक हो भी नहीं सकता यार, काफी चीजें बाकी है। इसी तरह सुकून से तसल्ली से पढ़ेंगे ना तो चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह। टॉप का दिखा दूं पहले, टॉप का ये रहा भाई, ये रहा टॉप, अरे चंदा इंशाल्लाह बीएफडी में तुम्हें करा देंगे, बेफिक्र हो, बीएफडी में इंशाल्लाह ऑनलाइन फिजिकल दोनों होगा आगे जाके। मैं बिल्कुल बीएफडी में ऑनलाइन, मुझे अभी भी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैं बीएफडी में यही कर रहा हूँ कि ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ और बाद में देखें हालात बेहतर होते हैं तो फिर देखें, मगर ऑनलाइन चलेगा बीएफडी में इंशाल्लाह, क्योंकि फ्यूचर ऑनलाइन का जैसा लगता है, फ्यूचर ऑनलाइन का इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। नहीं नहीं यार आप लोग बिल्कुल यार बीएफडी में आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं बिल्कुल बीएफडी पूरा पढ़ाता हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है, विदाउट एनी डेलीगेशन, कोई चीज डेलीगेट नहीं करता किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोर्स कैफ का भी और बीएफडी का भी, अपने सब्जेक्ट से मुझे काफी प्यार है तो वो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा पढ़ाऊँ, पूरा ही पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं भाई पहले पास तो करो चंदा, कैफ तो पास करो, बीएफडी तो ठीक है इंशाल्लाह, बिल्कुल बीएफडी में मुझे पता है तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मगर पहले ये तो पास कर लो यार। रिपोर्टिंग नहीं भाई, क्या चाह रहे हो तुम, टाइम वैसी नहीं है यार, इतना काम करे बंदा जितना इंसाफ कर सकता हूँ ना यार, ज्यादा बंदा काम करेगा तो इंसाफ नहीं कर सकेगा, मसला ये वो आपकी कैपेसिटी है ना यार। बीएफडी में रिपोर्टिंग नहीं आता, रिपोर्टिंग अलग है बीएफडी अलग, बीएफडी में कॉस्टिंग आ जाता है ये वाला, जो आप कॉस्टिंग पढ़े हो ना बजटिंग पूरा रिपीट होगा, रेलिवेंट कॉस्टिंग काफी आएगा वहां पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। नहीं नहीं FA1 FA2 के टॉपिक्स नहीं, BFD इसी का एडवांस है समझो, कॉस्टिंग